क्या आप जानते हैं 15 जनवरी का दिन इतना खास क्यों है? पोंगल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, पर उतना ही विशेष दिन है हर भारतीय फौज और उसके चाहने वालों के लिए। तो आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर इतना खास ये दिन है क्यों। जय हिंद डीसीएंस, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। 15 जनवरी, जी हाँ, ये वही तारीख है जो हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगी, क्योंकि हर साल 15 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। बात करते हैं अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, तो आपको लेकर चलता हूं मैं 15 जनवरी सन 1949 के उस दिन पर। और 15 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे सेकेंड फील्ड मार्शल जो कि थे KM करियप्पा जी, जो उस समय पर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अपॉइंटेड थे, उन्होंने लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस रॉय बूचर से ऑफिशियली इंडियन आर्मी को गवर्न करने के राइट्स को टेक ओवर किया था, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ टू गवर्न द इंडियन आर्मी। बात करेंगे भारतीय फौज की अचीवमेंट्स की। भारतीय फौज की अचीवमेंट और उनकी शूरवीरता विश्वविख्यात प्रसिद्ध है, और उन्होंने समय समय आने पर अपनी वीरता का लोहा पूरे संसार में मनवाया है, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, इंडो पाक वॉर हो या इंडो चाइना वॉर हो। हमारी भारतीय फौज कभी भी पीछे नहीं रही है और ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं कुछ हिसाब किताब की। नहीं, बात करते हैं किताब किताब की, बिकॉज नाउ वी विल सी व्हाट द एक्चुअल डेटा रिवील्स अबाउट द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फौज है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉलंटियर आर्मी इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। बात करें एक्टिव पर्सनल की, तो अराउंड 1.4 मिलियन, जी हाँ सही सुना आपने, 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल करेंटली भारतीय फौज को सर्व कर रहे हैं। अब इतना बड़ा दिन है और कोई ऑनररी सेरेमनीज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस दिन सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है हमारे कैपिटल ऑफ द इंडियन कंट्री, दैट इज न्यू दिल्ली में, जहाँ पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे पहले हमारे फॉलन हीरोज को इंडियन गेट वॉर मेमोरियल में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, एंड दिस इज अकंपनीड बाय अ नंबर ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स, परेड्स, वेरियस कल्चरल प्रोग्राम। पर क्या इस दिन की विशिष्टता, क्या इस दिन की इम्पोर्टेंस इन्हीं चीज़ों तक सीमित है? नहीं, ये दिन दर्शाता है हर उस बलिदान दिए गए हीरो का जिसने उन्हें अपना सब कुछ इस देश के नाम समर्पित कर दिया। ये दिन दर्शाता है हर उस सैनिक के ग्रिट और डिटर्मिनेशन को जो आज भी अपनी जान हथेली पर लेकर इन सीमाओं की रक्षा कर रहा है, एंड वी फिथ आर ट्रूली हार्ट सैल्यूट टू दोज ब्रेव हार्ट्स। जय हिंद, जय भारत।